इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनो। आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, लेकिन कई बार लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा जाते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन आपका ध्यान बस इधर उधर भटक जाता है। आप दूसरों से अलग हो और कोई आपके काम में रोक टोक करे वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप दिखते मासूम हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ही चालाक इंसान हो। आपको लगेगा कि मैंने जो कुछ भी बोला वो आप ही से रिलेट करता है ना? लेकिन सच बात तो ये है कि ये स्टेटमेंट आप दुनिया के किसी भी इंसान को कहो वो इस बातों से इजीली रिलेट कर पाएगा। ऐसे सेंटेंसेस को बार्नम स्टेटमेंट या फॉरर स्टेटमेंट कहते हैं। ये काफी वेग स्टेटमेंट होते हैं और जनरली पॉजिटिव होते हैं, तो सबको लगता है कि हाँ, वो उन्हीं के बारे में है। और जब यही स्टेटमेंट कोई अथॉरिटी फिगर से आए, माने ज्योतिष गुरु, पंडित जी या कोई अमीर इंसान आपको ये बोले, तब इस इफेक्ट का असर दुगना हो जाता है। आप उन बोली गई बातों में सच्चाई की पैटर्न्स ढूंढोगे और कैसे भी करके उनसे रिलेट कर ही लोगे, क्योंकि लोगों को अपने बारे में अच्छी चीजें सुनना काफी पसंद है। ब्रिटिश मेंटलिस्ट एंड इल्यूजनिस्ट डेरेन ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए लोगों को एक ब्लैंक पेपर पर अपनी हथेली ड्रॉ करने को बोला। कुछ टाइम बाद सबको अलग अलग बिठा के अपने रिजल्ट्स दे दिए गए और सब अपने बारे में जो लिखा था वो पढ़ के हैरान रह गए। 90% लोगों ने माना कि डेरेन ब्राउन ने उनकी पर्सनालिटी को सही जज किया है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने सभी लोगों को सेम ही कागज दिया था, सेम ही चीज लिख के दी थी और वो सारे ही बार्नम स्टेटमेंट्स थे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बार्नम इफेक्ट एक यूनिवर्सल इफेक्ट है जो दुनिया के किसी भी देश और किसी भी कल्चर के व्यक्ति पर लागू हो सकती है। आप भी लोगों को उनके बारे में बता सकते हो। कहो कि तुम्हारी माथे की लकीरें बताती हैं। जब आप पैदा हुए थे तब बहुत छोटे थे और आपके आधार कार्ड की फोटो आपको पसंद नहीं। किसी कॉलेज स्टूडेंट को बोलना कि तेरी तेरे पापा के साथ नहीं बनती, वो सोचेगा हाँ यार, बात तो सही है। मेले में आपका वजन करके भविष्य बताने वाला रोबोट भी बार्नम स्टेटमेंट की ही देन है। देखो बॉस, लोग ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक से आपको चुना लगा सकते हैं, तो फंडामेंटल्स को समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ो और धोखाधड़ी से